मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहूँगा कि अब जो परीक्षा फल परीक्षा का परिणाम आने वाला है, इसमें यदि आपके अच्छे परिणाम आते हैं, यदि आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। यदि किसी कारणवश आपको उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो भी इसमें निराश नहीं होना है, इसमें धैर्य नहीं खोना है। तो दोस्तों सभी छात्रों का इंतजार बहुत ही जल्द दोस्तों समाप्त होने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, कुछ ही देर में दोस्तों आपका है जो कि मैट्रिक का रिजल्ट है जो कि घोषित हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, बहुत बड़ी अपडेट अभी अभी की निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, jagran.com पे दोस्तों ये अभी अभी अपडेट किया गया है। हम आपको सारा कुछ बताएंगे कितने बजे और कौन से वेबसाइट पर सबसे पहले अपना रिजल्ट है चेक कर पाएंगे और सबसे फास्ट आप कैसे रिजल्ट चेक कर पाएंगे। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत से छात्रों का यहाँ पर इंतजार की घड़ी है जो कि समाप्त होने जा रहा है और बहुत से छात्र हैं यहाँ पर दिल की धड़कन है जो कि तेज हो चुकी है क्योंकि बहुत ही जल्द दोस्तों आपका है जो कि यहाँ पर मैट्रिक का रिजल्ट है जो कि जारी होने जा रहा है। जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, टॉपर्स वेरिफिकेशन है जो कि पूरा करवा लिया गया और कभी भी है जो कि आपका रिजल्ट है जो कि घोषित हो सकता है। एक बहुत बड़ी अपडेट है सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो दोस्तों आप लोग है जो कि यहाँ पर सरस्वती जी का नाम लीजिए, बहुत ही अच्छा दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट है जो कि आने जा रहा है। चलिए पूरी डिटेल में जान लेते हैं। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो जल्दी से वीडियो के नीचे जाएं और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में घंटी है जो उसको दबाकर ऑल पे सेलेक्ट जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों अभी अभी की निकल के आ रही है कि बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2021 डेट एंड टाइम अपडेट आपको यहां पर किया गया है। टॉपर्स का वेरिफिकेशन है जो कि पूरा करवा लिया गया है। सुबह के वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि जो कि टॉपर्स हैं वो सिवान जिला के रहने वाले हैं सभी यहां पर, तो आप लोग देख सकते हैं कभी भी घोषित हो सकता है रिजल्ट। चलिए पूरी विस्तार से जान लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा टाइम दीजिएगा दोस्तों, आपको सारा कुछ आपको हम बताएंगे कब तक आपका रिजल्ट जारी होगा और कितने बजे आपका रिजल्ट जारी होगा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और आप लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा टाइम दीजिए, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा वीडियो को अगर लास्ट तक आप लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक परीक्षा 2021 के परिणाम को जारी करने का काम अब अंतिम चरण में पहुँच गया है। टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है और सभी घर वापस आ गए हैं। यानी कि दोस्तों जो भी यहाँ पर टॉपर्स का वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड कार्यालय बुलाया गया था, उनका कल जो कि बिहार बोर्ड के ऑफिस में उनका जो कि टॉपर्स का वेरिफिकेशन यानी कि इंटरव्यू आपको पूरा हो गया है और वो सभी है जो कि घर चले गए हैं। अब है जो कि यहाँ पर बारी है रिजल्ट का। देखिए अपडेट किया गया है दोस्तों 3 अप्रैल का, आप लोग देख सकते हैं, और ये आप सुबह दोस्तों 8:08 का ये न्यूज है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी। देखिए सूबे के करीब 17 लाख परीक्षार्थियों जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ फिर आपको घड़ी आ गई है कि आपका जिस पल का इंतजार था बहुत ही जल्द दोस्तों आपका है जो कि इंतजार की घड़ी है जो कि समाप्त होने जा रही है और मैट्रिक का रिजल्ट है जो कि जारी होने जा रहा है। तात्पर्य यह है कि मैट्रिक रिजल्ट 2021 को जारी करने से पहले की सभी प्रक्रियाएँ हैं जो कि पूरी कर ली गई। देखिए बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। यहाँ पर बिहार बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी करने से पहले आपको सभी प्रक्रिया जो भी होता है वो पूरी कर लिया गया, बस अब आपको है जो कि यहाँ पर रिजल्ट जारी करना बाकी रह गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत बड़ी अपडेट है कि आपका मूल्यांकन और अंक फीड करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम टॉपर्स वेरिफिकेशन का था, जो कि आपको टॉपर्स का वेरिफिकेशन कल ही आपको पूरा करवा लिया गया। बोर्ड की सूत्रों के माने तो यह काम भी पूरा कर लिया गया है, अब केवल आधिकारिक रूप से इसकी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों आपका सभी चीज़ों को यहाँ पर पूरा कर लिया गया, अब केवल आधिकारिक रूप से इसकी औपचारिकताओं का पूरा किया जा रहा है और इसके बाद एक दिन पूर्व सूचना देकर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका है जो कि देखिए बिहार बोर्ड जब भी रिजल्ट जारी करेगा उससे पहले आप सभी को यहां पर आपको पूर्व सूचना दे देगा। जैसे जैसे इसका समय करीब आता जा रहा है परीक्षार्थियों की धड़कने हैं जो कि तेजी से बढ़ रही है और इस बार है जो कि यहां पर आप सभी को ग्रेस मार्क मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों आपका है जो कि नंबर अगर कम आता है तो आपको नंबर देकर आपको पास कर दिया जाएगा। दरअसल होली की छुट्टी खत्म होने के बाद विभिन्न जिला शिक्षा कार्यालयों को सूचना देकर वहां से संभावित स्टेट टॉपर यानी कि बिहार टॉपर को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पटना बुलाया गया था। इन बच्चों को विगत 30 मार्च को ही बुलाया गया था। वहां की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ये सभी अपने अपने घर वापस लौट आए हैं। इस तरह से मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले एक महत्वपूर्ण काम पूरा हो गया। यानी कि दोस्तों आपका जो कि टॉपर्स का वेरिफिकेशन जो कि पूरा करवा लिया गया और वो अब घर भी चले गए हैं, अब बस आपका इंतजार है तो आपका रिजल्ट का। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि इंटर का रिजल्ट जो कि आपको आया था यह एक दिन पहले, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया गया था बोर्ड का जो टॉपर होते हैं उनका, उसके एक ही दिन बाद
दोस्तों आपको बिहार बोर्ड के द्वारा आपका जो कि यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया था। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपका है जो कि कल आपका है जो कि टॉपर्स का वेरिफिकेशन पूरा हो गया, वो घर भी चले गए हैं। तो दोस्तों कभी भी बस आपका है जो कि मैट्रिक का रिजल्ट आ सकता है। वैसे अभी तक इस बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिली है कि इस बार स्टेट टॉपर 5 की सूची होगी या टॉप 10 की सूची होगी। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम 2021 के दौरान टॉप 5 की सूची जारी की गई थी। इस परिणाम को जारी करते समय ही बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने आनंद किशोर ने संकेत दिया था कि अप्रैल के पहले सप्ताह में परीक्षा परिणाम जारी हो सकता है। इस सप्ताह से भी देखा जाए तो सभी चीज़ें मिल रही है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर परीक्षार्थी की नज़र है कि यहाँ पर बिहार बोर्ड के जो भी वेबसाइट है और ट्विटर है वहाँ पर नज़र गड़ाए हुए हैं, ताकि जब भी आपका रिजल्ट जारी होता है उससे पहले जो कि आपको यहाँ पर सूचना दिया जाएगा, यानी कि आपको बिहार बोर्ड के द्वारा आप फेसबुक आपका जो ऑफिशियली फेसबुक पेज है वहां पर भी आपको अपडेट किया जाएगा, यानी कि ट्वीट किया जाएगा और ट्विटर पर भी आपको ट्वीट किया जाएगा। तो आप लोग है जो कि नजर बनाए रखें, कभी भी दोस्तों आपका रिजल्ट है जो कि जारी हो सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट की देखें तो वहां पर 5 अप्रैल यानी कि सोमवार को परीक्षा परिणाम जारी करने की बात कही जा रही है। तिथि जो भी परीक्षार्थी की धड़कन है जो कि तेज हो गई, वह परिणाम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। यदि अपेक्षा अनुसार यह परिणाम जारी हो जाता है तो कोरोना जैसी विषम स्थिति में यह काम कर दिखाने वाला पहला शिक्षा बोर्ड होने का गौरव बिहार बोर्ड को यह हासिल हो जाएगा, क्योंकि इस हाल में जिस तरह देश में अन्य भागों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में सीबीएसई एवं अन्य बोर्ड की अपनी परीक्षाएं जो कि टालनी पड़ी है और बिहार बोर्ड है जो कि यहां पर पूरा परीक्षा है जो कि मैट्रिक और इंटर का संपन्न कराया जा चुका है। अब दोस्तों इंटर का रिजल्ट भी जारी हो गया और बारी है दोस्तों आपका जो कि मैट्रिक रिजल्ट का। तो बहुत बड़ी अपडेट है अभी की। तो आप लोगों के यहां पर टॉपर्स का वेरिफिकेशन पूरा हो गया और कभी भी दोस्तों आपका रिजल्ट है जो कि जारी हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी और आपको है जो कि दूसरा वीडियो आपको देखने का आपको यहां पर जरूरत है जो कि नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल के बेल घंटी को दबा लीजिएगा।